तो मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली गाइस यहां पर मैं एक और नई कस्टम रोम लाया हूं अपने Redmi Note 7 और 7S के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो रोम है इसमें आपको Android 10 देखने को मिल जाता है। इसका नाम यहां पर आप देख सकते हो डिसेंटेड एक्स नाम है इसका। इसके एक अलग अलग वर्जन आते हैं लेकिन ये एक्स वाला वर्जन इसमें आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये आप देख सकते हो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच जो भाई वो 5 मार्च का देखने को मिलता है जो कि मेरे को उसकी काफ़ी बढ़िया बात लगी। बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये जो रोम है ना भाई इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अलग UI आपको देखने को मिलता है इसलिए मैं इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ। आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ये रोम। प्लीज़ आप इसको ट्राई करना कैसे करना आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा। इसके फीचर्स क्या क्या है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके पास Redmi Note 7 या Note 7 S है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा जो रेड कलर है उसको ग्रे कलर बना दो और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लेना तब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ Xiaomi Redmi Note 7 और Note 7 S से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए क्योंकि मैं बहुत सारी कस्टम रोम से रिलेटेड और भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके Redmi Note 7 और 7S की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यार बिना वक्त बाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करें इसके कुछ फीचर्स की तो सबसे पहले जो फीचर मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए भाई यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पर सबसे यूनिक नोटिफिकेशन पैनल लगा मेरे को इसका। ये आप देखे तो कुछ इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये लाइव वॉलपेपर चाहिए तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा भाई। इसका कोई डाउनलोड लिंक नहीं होता मेरे पास, ओनली फॉर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो जो इसका नोटिफिकेशन पैनल है यार ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। आप देख सकते हो यार ये काफ़ी अलग ही इसका स्टाइल है इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पर शेड्यूल भी ऐड कर सकते हो, इवेंट वगैरह का शेड्यूल लगा सकते हो। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लगाना तो लगा सकते हो। सेटिंग पर आप क्लिक करके यहाँ पर चेंज वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो। यहाँ पर आप जैसे कुछ इस तरह के चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सेटिंग दिखा देता हूँ पहले यहाँ पर हम चलते हैं पहले यहाँ पर सेटिंग में। मैंने इसकी एक सेटिंग छेड़ी हुई है तो वो क्या है इस ये वाली सेटिंग। अभी आप देख सकते हो आप कोई भी किसी भी चीज़ को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने क्या ओपन किया हुआ। तो मैंने साउंड्स को ओपन किया हुआ, स्टोरेज रहेगा तो स्टोरेज को ओपन किया हुआ। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी टाइम क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमने क्या ओपन किया है। ये आप देख सकते हो थंब UI जो लिखा हुआ है ये था। अब मैंने हटा दिया तो अब क्या होगा आप कुछ भी ओपन करोगे तो जैसे आपका नॉर्मल ओपन होता है वैसे ही ओपन होगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग में आप जाके इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हो जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ और अच्छी लगी इसकी पावर मेन्यू में आप जाओगे तो कुछ इस तरह से इसके जो ऑप्शन आते 3 ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे, अलग टाइप का UI है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन करोगे तो आपको ओनली फॉर इतना सा UI देखने को मिलेगा, ज्यादा डिस्प्ले नहीं घेरता ये चीज अच्छी लगा। आप देख सकते हो जैसे ही आएगा अगर आप इस पर टैप करते हो यहाँ पर टैप कर दोगे तो आपका जो पूरा UI है वो आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो एनिमेशन आती है ये काफी बढ़िया लगती है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे ये जो एनिमेशन आती है ना यार ये काफी बढ़िया लगती है। और यहाँ से आप इसके जो यहाँ पर आप इसकी वॉल्यूम वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वॉल्यूम वगैरह आपको जो भी करनी है आप कम ज्यादा कर सकते हो, काफी बढ़िया लगा। आप साइलेंट वगैरह भी यहीं से कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। तो ये एनिमेशन वगैरह मेरे को इसमें काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और जो रोम की परफॉर्मेंस है वो भाई वो लाजवाब है, आप यूज करोगे तो आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो इसलिए मैं इस रोम का रिव्यू बना रहा, बाकी आप देख लो। और बाकी हम चलते हैं अब सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ले जाने के बाद अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पर यानी कि इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो आप देख सकते हो जो इसकी यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह इसका भी UI काफी अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड कॉर्नर देखने को मिलता है। और बाकी हम बात करते हैं कुछ और चीज की, जो डिस्प्ले में हम जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्राइटनेस डार्क मोड देखने को मिलता है। डार्क मोड में आपको शेड्यूल देखने को मिलता है,
था, शेड्यूल में एक ऑप्शन नहीं है कि टाइमिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया है, ये तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पर सनसेट टू राइज, जैसे ही आपका भाई रात हो जाएगा, जैसे ही सन हट जाए यानी कि गिर जाता है भाई शाम के 6 बजे 7 बजे, तो ऑटोमेटिक जो डार्क मोड इनेबल हो जाएगा, ये फीचर इसमें दिया हुआ, जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर वगैरह, रोटेशन वगैरह सब कुछ वही दिया। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बिहेवियर देखने को मिल जाता है, अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड करके भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप इसको MIUI 11 में भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यार MIUI 11 में इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। अब आप देख सकते हो जो आपका भाई यहाँ पर ऊपर था नॉच, उसको हट चुका है, और ये भी काफ़ी बढ़िया यूनिक फीचर देखने में लगता है यार, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्योंकि यार डिफ़ॉल्ट हमारा जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले हमें यही पसंद है। तो हम बात करते हैं कुछ और स्क्रीन सर्वर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आप जाओगे, लॉक स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो मेरा बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी लगा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि जब भाई चार्ज भी लगाओ तब आपका चालू होना चाहिए, नोटिफिकेशन आए, म्यूजिक ट्रैक, ये सारी चीज़ भी लगा सकते हो। बाकी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल क्लॉक फ्लो, तो भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैंने देखा नहीं, अभी हम देख लेते हैं भाई, क्या पता कुछ लॉक स्क्रीन में हो। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, भाई यार ये तो भाई अभी देखा यार, ये चीज़ तो मैंने अभी देखा। या जैसे कुछ इस तरह से आप ये लगा सकते हो। यहाँ पर अब हम चेंज कर देखते हैं, यहाँ पर आप बर्ड्स वगैरह की ये यहाँ पर स्किल लगा सकते हो, यानी कि एक तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ये भी फीचर है, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। या आप जैसे तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया लगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसको लगा सकते हो, अलग अलग बर्ड्स के नाम दिए आप उनको भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ चीज़ है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। आप बताना आपको ये रोम है किस तरह पसंद आई या नहीं आई। और बाकी आप यहाँ से इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर रेड कलर कहाँ है, रेड कलर में ज़्यादातर लगाना पसंद करता हूँ, तो रेड कलर ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अभी इस टाइप का रेड हो चुका है, तो ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। और हम बात करें कुछ और चेंजेस की, तो यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं देखने मिलेंगे। आइकन के शेप वगैरह, स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप फॉन्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हो इसमें जाके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। बाकी जो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी बैटरी की बात कर भाई, बैटरी लाजवाब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी मस्त परफॉर्मेंस है इस रोम में। मेरे को ये रोम पहले से भी काफ़ी लगती है, मैं अपने Redmi Note 5 Pro में भी इसको यूज करता था, इसलिए मैंने अपने Redmi Note 7 और 7S में मैंने इसको इंस्टॉल किया। और बाकी हम बात करते हैं कुछ और नए फीचर्स की, तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा और नया नहीं देखने को मिलेगा, वही सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो भाई जब से Android 10 आया था किसी में भी फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता, तो इसमें भी हमें फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। तो फेस अनलॉक को थोड़ा इशू है भाई, हो सकता है वो एंड्रॉयड 11 में आ जाए, बट अभी नहीं आया। बाकी डिजिटल वेल्विंग आपको देखने को मिलता है, आप डिजिटल वेल्विंग को यूज़ कर सकते हो। और बाकी सारे वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है, डेवलपर ऑप्शन वही सब वगैरह। गेस्टर्स में आप चले जाओगे, गेस्टर्स में जाने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा स्वाइप फिंगर टू नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप भाई यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप जंप टू कैमरा कर सकते हो, यानी कि डबल टैप करोगे तो भाई ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको गेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो गेस्टर्स मैंने लगाए हुए MIUI में भी देखने को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले ये वाले। लेकिन ये एंड्रॉइड 10 के, और यहाँ पर आपको 2 वाले भी देखने को मिल जाते हैं, 3 वाले भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फुल स्क्रीन गेस्टर्स जो है ये काफ़ी बढ़िया तरह से वर्क करते हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरीके, यहाँ पर आप वाइब्रेट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, डोंट डिस्टर्ब कर सकते हो, 2 वाले ये बटन को दबा के। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट दे गया, अगर आप यहाँ पर 3 फिंगर करते हो तो आपका स्क्रीन शॉट क्लिक हो जाएगा, जिस तरह के आपका MIUI में होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर स्क्रीन शॉट खींचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, शेयर, एडिट, और एडिट में आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन, इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हो, कलर वगैरह जो आपको शेयर वगैरह सेव वगैरह करना है वो आप कर सकते हो, कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और डेवलपर में आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को, ऑप्शन है जो कि यार काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं। और बाकी हम बात कर कुछ और चेंजेस की, तो अगर आपको कुछ पूछना है इस रोम के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, वरना इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं वहाँ पर आपको तुरंत ही रिप्लाई दे पाऊंगा। तो ये कुछ था, और बाकी इसमें आपको गूगल ऐप पहले से देखने को मिलेगा, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो, कोई भी कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो, अगर वो एंड्रॉयड 10 पे हो अभी आप, तो आपको एक चीज़ करना, अगर आप एंड्रॉयड पाई पे हो, अगर आप पहली बार इस रोम को इंस्टॉल करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम,
तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना ही करना है। आपको दो चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक है फाइल, एक है भाई यहाँ पर फिल्मवेयर। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये डिसेंट एक्स ऑफिशियल रोम है, ये कोई भी अनऑफिशियल रोम नहीं, ये वाला जो आपका रोम है अगर ये आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहला ये चीज़ हो गया आपको डाउनलोड कर लेना, और दूसरा चीज़ है यहाँ पर डाउनलोड ये है भाई इसका फिल्मवेयर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों चीज़ें, इन दोनों को आपको डाउनलोड करके भाई आपको करना क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं भाई यहाँ पर एडवांस में, यहाँ पर चलते हैं रिकवरी में। तो भाई मैं ऑरेंज फॉग रिकवरी को प्रिफेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया रिकवरी है। तो आप भी ऑरेंज फॉक्स को ही इंस्टॉल करना, अगर आपका मर्जी है यार, आपको जो भी करनी कर लो, बट मैं ऑरेंज फॉक्स को ही ज़्यादा प्रिफेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया रिकवरी मेरे को देखने में लगती है। तो ऑरेंज फॉक्स की ये रिकवरी है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या। तो ये आपसे पासवर्ड वगैरह मांग सकता है, अगर आपने पासवर्ड कोई लगाया होगा तो पासवर्ड दे देना भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, और ये माउंटिंग हो रहा कुछ इस तरह से भाई। अगर पासवर्ड मांगता है तो दे देना, क्योंकि मैंने इस रोम में पासवर्ड डाला हुआ था, इस वजह से मैं इससे पासवर्ड मांग रहा है। तो इसका यार एक मिनट में इसका थोड़ा सा थीम वगैरह चेंज कर लेते हैं, यार देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कहाँ गया भाई थीम, थीम कस्टमाइज थीम वाइट अप्लाई। तो अब आपको सही तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो अब आपको सही तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए आपको सबसे पहले वाइप में जाना है। यहाँ पर आप डिस सिस्टम डेटा डेलवेक इंटरनेट ये सबको सेलेक्ट करना है, इंटरनेट छोड़ देना, बाकी सबको करके स्वाइप टू वाइप पे कर देना। मैं करूँगा नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ। सब कुछ वाइप करने के बाद सिंपली होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको जो भाई आपने फिल्मवेयर इंस्टॉल किया होगा ये इंस्टॉल करना है, आपको स्वाइप टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार रिब्यूट कर लेना, जैसे इंस्टॉल होगा रिब्यूट कर लेना। रिब्यूट करने के बाद जैसे ही आपका फ़ोन दोबारा रिकवरी मोड में इनेबल होगा, फिर दोबारा आपको वही सारे वाइप करने हैं। वाइप करने के बाद आपको रोम को इंस्टॉल करना। अगर आप ये मेथड नहीं करोगे ना तो आपको भाई एरर आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एरर आपको किस टाइप का आएगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे को भी इस रोम को इंस्टॉल करने में एरर आ रहा था। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको फेल्ड का एरर आएगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा जो रोम है वो करप्ट हो चुका है, मैंने 2-3 बार डाउनलोड किया तो भी मेरे को ये प्रॉब्लम आया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। तो बस यही था, बस आपको जो फिल्मवेयर है वो इंस्टॉल करना, क्योंकि वो एंड्रॉइड पाई वाला है। सबसे पहले आपको वो ही इंस्टॉल करना, उसके बाद आपको रोम इंस्टॉल करना है। तो एक बार भाई आपको बस क्या करना है, रिबूट करके बस आपको छोड़ देना, उसके बाद आपको रोम को इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह से आपकी ये रोम जो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको अपने डिवाइस में इस रोम को इंस्टॉल करने में, तो भाई आपको मैंने कहा कम डिटेल में आप चले जाओ वहाँ पर, आप मेरे को कमेंट करो, वहाँ इंस्टाग्राम पर जाओ कमेंट बॉक्स में करो, यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो भी करना है करो, जरूर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी आप इसका बूट एनिमेशन देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस तरह और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।